भाई वाह, इतनी जोरदार रसमलाई, वो भी घर पे, वो भी बेहद आसान तरीके से। तो आज हम डिलीशियस फूड पे ले आए हैं एक नया ज़बरदस्त एपिसोड, जहाँ पे हम आज आपको दिखाने वाले हैं कि रसमलाई बनाना घर पे इतना बेहद आसान कैसे है। और मैं हूँ दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा चटोरा, और आज मैं आपको घर पे रसमलाई बेहद ही आसान तरीके से बनाना तो सिखाऊंगा ही, और जब आप इसको खाएंगे आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपके घर वाले और मेहमान भी पूछेंगे रसमलाई लाए तो लाए कहाँ से। तो चलिए दोस्तों ये रसमलाई बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन ले लिया है और उसमें 1 लीटर दूध ले लिया है अमूल का। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का काउ मिल्क ले सकते हैं। दोस्तों मैं हर छेने जैसी और गाढ़ी गाढ़ी चीज़ में गाय का दूध ज़्यादा इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि गाय का दूध हैवी होके बॉडी में कुछ हैवीनेस नहीं करता, साथ ही में इसका छेना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसीलिए दोस्तों मैं गाय का दूध हमेशा प्रेफर करता हूँ। तो चलिए मैंने 1 लीटर दूध गाय का ले लिया है और इसी पैन में हमें इसको तब तक बॉयल करना है जब तक ये क्वांटिटी में आधा या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही ना रह जाए। इसको लगभग बनने में 30 से 35 मिनट लगेंगे। आप इसको धीमी आंच पे पकाएंगे तो और भी अच्छा स्वाद आएगा। तो चलिए दोस्तों मैंने तो ले लिया है लगभग 1 लीटर दूध इस पैन में और वेट कर लेता हूँ इसका पहला बॉयल आने का, क्योंकि उसके बाद मुझे रेगुलर करछी चलानी होगी इसमें। तो लगभग पहला बॉयल आ गया है और मुझे अब इसमें करछी नॉन स्टॉप चलानी होगी जब तक इसका लेवल थोड़ा सा नीचे नहीं आ जाता, क्योंकि ये चिपके ना और इसकी मलाई भी साइड्स पे ना चिपके। तो चलिए दोस्तों आज मैं एक इतनी ज़बरदस्त सी रसमलाई आपके लिए बना रहा हूँ। इसी दौरान मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मैंने एक लिंक डाला है जो दुनिया की सबसे आसान रेसिपीज़ का लिंक है। प्लीज़ हाथ जोड़ के प्रार्थना है उस लिंक को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारा बॉयल आते आते हमने इसको थोड़ा सा गैस से हटा लिया है ताकि दूध बाहर ना निकले, और वापस रख दिया है, हमारा दूध बाहर निकल रहा था। तो चलिए दोस्तों इसको बॉयल करते हैं, वेट करते हैं जब तक ये आधा होता है। आपको बता देता हूँ दोस्तों आज जो ये हम रसमलाई बना रहे हैं ये हम ब्रेड की मदद से बना रहे हैं। इसका मतलब हमने जो एक रसगुल्ला टाइप ब्रेड होता है रसमलाई का, वो हमने नहीं बनाई है। वो हमने इसलिए करा है क्योंकि हमने इंस्टेंट एकदम बेहद ही आसान तरीके की रसमलाई आपको आज सिखानी है। तो चलिए लगभग हो चुके हैं अब इसके 15 से 20 मिनट और अब इसका लेवल कुछ हद तक नीचे जा चुका है। अभी कुछ समय और लगेगा क्योंकि दूध का बॉयल आना और दूध गाढ़ा होना बेहद ज़रूरी है रसमलाई में, तभी रसमलाई का एकदम रबड़ी जैसा टेस्ट आता है। लगभग अब मुझे 25 मिनट हो चुके हैं और मेरा दूध का लेवल थोड़ा और नीचे गया है, तो अब मैंने इसमें 2 इलायची डाल दी हैं हल्का सा फाड़ के। आप चाहें तो कार्डमम पाउडर को भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इलायची पाउडर को, और सिर्फ इलायची दाना भी डाल सकते हैं। मैंने 2 साबुत इलायची ली है और उनको बीच में से फाड़ के ऐसे ही दूध में डाल लिया है। मैं गारंटी लेता हूँ इसकी बेहद ही अच्छी खुशबू आने वाली है। इस वक्त दोस्तों मेरे किचन में इस दूध की बहुत अच्छे से खुशबू आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों दूसरी तरफ जो हम बात कर रहे थे आपसे ब्रेड्स की, तो हमने लगभग 6 ब्रेड ले ली हैं। आप देख सकते हैं हमने नॉर्मली घर पे यूज़ होने वाली ब्रेड ले ली है। इसी में हम राउंड शेप की कुछ भी चीज़ से मदद से निकाल लेंगे राउंड ब्रेड। तो हमने ग्लास को उल्टा करके उसी में से 6 पीस निकाल लेने हैं। आप देखेंगे दोस्तों हमारा गोल एकदम परफेक्ट गोल है और रसमलाई भी एकदम ही गोल होती है, तो इसका बेहद ही अच्छा आकार हमारी क्वालिटी में और हमारी लुक्स में 4 चांद लगा देगा। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही सारी ब्रेड्स के साथ करके हमें 6 ब्रेड्स का सेंटर निकाल लेना है। दोस्तों ऐसे ही रसमलाई की एकदम प्रॉपर शेप आ जाएगी आपकी। वहीं दूसरी तरफ हमारा दूध अच्छे से उबल रहा है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि कैसे हमने 6 स्लाइसेस को अच्छे से निकाल दिया है। इतने हमारा दूध दूसरी तरफ गाढ़ा हो रहा है, तो हमने इन ब्रेड्स के साथ का एक हल्का सा प्रतिक्रिया को और पूरा करना है। हमने एक पैन में या एक किसी भी कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लिया है। दोस्तों इस दूध को हमने ब्रेड के किस काम में इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको जल्दी बताऊंगा। तब तक मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी दूध पे भी नज़रें गढ़ा लेता हूँ कि क्या ये और कम और गाढ़ा हो गया है। तो दोस्तों हाँ ये और गाढ़ा हो चुका है, लगभग हमें 30 मिनट हो गए हैं और ये 1 लीटर का लगभग अभी तक 650 ml के आसपास दूध हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि इसको 0.5 लीटर के आसपास कर दूँ, इसलिए मैं इसको 5 से 10 मिनट थोड़ा सा और उबालूँगा और बाकी की चीज़ें जो रह गई हैं उसको यूज़ करूँगा। अब मैं इसमें दोस्तों 2 से 3 चम्मच घर पे होने वाली मलाई ऐड कर रहा हूँ। मलाई से बहुत ही अच्छा गाढ़ा टेक्सचर आ जाएगा और स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। आपके घर पे मलाई ना हो तो
तो आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं। मेरे घर पे मलाई थी और मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रस मलाई में, यानी कि रस मलाई और मलाई का तो गहरा मेल है। मैंने इसमें इसलिए घर की मलाई जोड़ दी है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने दूध लिया था एक पैन में उसका क्या काम था। बेसिकली उसमें हम अपनी ब्रेड के पीसीस को थोड़ा थोड़ा सोक करके रखेंगे ताकि जो हमारे ब्रेड के पीसीस हों वो प्यास से ना रहें। जब हम इसको रसमलाई के दूध में डालें तो ये सब कुछ ना सूख लें और एक थोड़े मॉइस्ट से हों, इसलिए हल्का हल्का सा दूध में इनको डिप करके हल्का सा प्रेस करके दूध निकाल के वापस रख दें इसी प्लेट में। ध्यान रखें ये दूध गर्म ना हो, नहीं तो ब्रेड के टूटने की आशंका है, इसलिए हमने इनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले दूध में हल्का सा मॉइस्ट करके हल्का सा मिल्क निकाल के वापस से रख दिया है इसी प्लेट में। और इस प्लेट के साथ इसको वापस रख देंगे फ्रिज में ही, ये इससे अच्छे मॉइस्ट हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया रस मलाई में अंदर स्वाद आएगा, क्योंकि ये रस मलाई में डलने से पहले ही 5-10 मिनट इसमें रहे रहे अच्छे से मॉइस्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने अपनी सारी 6 ब्रेड्स को मॉइस्ट कर लिया है और जो दूध पैन में लिया था वो बच गया था, तो उसमें हम डालेंगे घर का केसर। दोस्तों अगर आपके घर पे केसर ना हो तो आप येलो कलर को भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने यूज़ कर लिया है। देख सकते हैं दोस्तों केसर को मिक्स करने के बाद कितना अच्छा कलर आ गया है इस दूध का। तो इस दूध को हमने अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल देना है अपने रस मलाई वाले दूध को जो हम अभी बॉयल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा रस मलाई का। आप इसको बिना कलर के बनाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कलर के साथ ये बेहद ही निखर के आती है और जो केसर का स्वाद है वो तो चार चांद लगा देता है। लेकिन आप इसमें फूड कलर भी यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है घर में कि आपको बाज़ार से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी और आप कहेंगे भाई वाह, आज तो मज़ा आ गया। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरा दूध हो चुका है लगभग 1/2 लीटर। तो मैं अब अपने गैस को करने वाला हूँ बंद, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ रह गई है इसमें जोड़ना, वो थी चीनी। तो मैं इसमें लगभग 4 चम्मच चीनी डालूँगा। दोस्तों आप चीनी अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद कर सकते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। मुझे चीनी थोड़ी सी अच्छी मात्रा में पसंद है, इसलिए मैंने 4-5 चम्मच जोड़ लिए हैं बड़े। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है लगभग मेरी अब रस मलाई का रस तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर लूँ, मेरे पास इस वक्त बादाम रखा है तो मैंने बादाम डाला है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप वो डालें ताकि थोड़ा सा दूध में हल्का सा दम ले ले हमारा ड्राई फ्रूट और टेस्टी लगे रस मलाई में। तो चलिए हमारा रस एकदम तैयार है, हम इसको थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि ब्रेड इसमें जाते ही एकदम से घुल के टूट ना जाए। रूम टेम्परेचर पर ही ब्रेड को जोड़ें, नहीं तो ब्रेड के टूटने के चांसेस हैं। तो अब हो चुका है हमारा रूम टेम्परेचर सेटल डाउन हो गया है। तो अब हमने एक वेसल ले लिया है जिसमें हम अपने 6 ब्रेड के पीसी जो हमने थोड़े से मॉइस्ट करके रखे थे उनको अब डाल देंगे उसी वेसल में, और ऊपर से डाल देंगे अपने रस मलाई का रस और डाल देंगे इसे फ्रीज़र में ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट को ऐड करके। दोस्तों आपको ये रस मलाई खा के मज़ा आ जाएगा। इसी बीच दोस्तों, जब तक ये वीडियो चल रहा है मैं आपसे एक बार फिर से प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे चेकआउट कर रहे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है जो दुनिया की सबसे आसान रेसिपीज़ का लिंक है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ऐसी बेहतरीन अच्छी अच्छी आसान रेसिपीज़ हम हमेशा आप तक लाते रहेंगे। डिलीशियस फूड की यही प्राथमिकता है कि आप तक अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आसान से तरीके से कैसे पहुँचाई जाए। तो चलिए दोस्तों, आप देख रहे हैं अब कितने अच्छे से हमारी रस मलाई तैयार हो चुकी है, हमारी ब्रेड अच्छे से मॉइस्ट थी और इस पर और डल चुका है हमारा रस जो कि रबड़ी जैसा दिख रहा है एकदम। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि कैसे कितनी हल्के हल्के हाथ से ये फैल रहा है, इसका मतलब साफ है कि ये बेहद ही गाढ़ा है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ही मैं इस रस मलाई को खा चुका हूँ। इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इस रेसिपी को तैयार करा है, और जो इसमें खास स्टेप था जो हमने ब्रेड को मॉइस्ट करा था वो इसको और भी ज़्यादा टेस्टफुल कर देगा। है तो बेहद ही आसान सा स्टेप, लेकिन उसमें जो मज़ा है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए डाल लेते हैं इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और हमारी रस मलाई बनके है तैयार। इसको फ्रीज कर दिया है हमें लगभग 1 घंटे के लिए, और उसके बाद तैयार होकर एकदम गाढ़ी गाढ़ा रस निकला है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने रख दिया है इसको फटाफट से फ्रीज़र में, और आपके पास क्लिप्स आने वाली हैं फ्रीज़र के बाद की, वो कुछ ऐसी बनके तैयार हुई है। दोस्तों एकदम जम चुकी है अच्छी अच्छी रस मलाई है और खा के बेहद ही मज़ा आ गया है इसको। आप फटाफट से डिलीशियस फूड को कर ले फॉलो या यूट्यूब पे कर ले सब्सक्राइब,
हमारा एकदम यही एफर्ट है कि आप तक अच्छी अच्छी रेसिपीज पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए।